नमस्कार दोस्तों, वेदांत हाउस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ निमकी, जिसके लिए आपको क्या क्या चाहिए ये आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले हमें मैदा चाहिए, ये रहा मैदा। उसके बाद ये है रिफाइंड ऑयल जो कि एक कटोरी है, ये नमक, ये है सोडा, खाने वाला सोडा, और ये है कलौंजी जो कि आप अपने हिसाब से एक चम्मच डाल सकती हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये रिफाइंड ऑयल। इसको हम पूरा ले लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कलौंजी, क्योंकि आप देख सकती हैं मैंने बहुत थोड़ा सा ही डाला है, थोड़ा और ले लेते हैं। और ये रहा नमक, इसको मैं डालूंगी 2 चम्मच। मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिया है। और ये रहा सोडा, इसको हम कम से कम 2 चुटकी डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले आप इसको बहुत अच्छे से तेल को मिक्स कर लीजिए दोनों हाथों से। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तेल को अच्छे तरीके से मैश मिला लिया है इसमें। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। और डो को बहुत ही ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा ढीला करना है, इसको अपने तरीके से अपने हिसाब से आप डो बना लीजिए। इसमें थोड़ा और पानी ऐड होगा। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम लोग। इसी तरीके से आप इसको मिक्स कीजिए। ये देखिए, इसका मैंने डो बना लिया है। ये बहुत ही मुलायम और थोड़ा थोड़ा सख्त भी है। इसको अब हम इसमें बांट लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से इसको बांट लेने से ये अच्छा होता है कि आराम से ये, फिर इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसको बांट के और फिर इसको हम गोल गोल इसकी लोई बना लेंगे। इस तरीके से देखिए, ये देखिए ये बन गया। और अब हम इसे बेल लेते हैं। सबसे पहले हम एक चकला लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और बेलन में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, गोल बेल लीजिए।
तरीके से हम इसको बेल लेते हैं। इसको बेलकर और अब हम इसे कटिंग करेंगे। पतला या मोटा ये आपके ऊपर है, अब जैसा भी इसका शेप देना चाहें आप दे सकती हैं। इस तरीके से छोटा छोटा भी और बड़ा भी आप कट कर सकती हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए, और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, उसे मैंने काट के एक प्लेट में रख लिया है और ये एक पैन में मैंने रिफाइंड तेल डाला है और इसको गर्म कर रही हूँ। और अब हम निमकी को तलेंगे। ये देखिए, अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें निमकी को डालेंगे। बहुत धीरे धीरे से डालिएगा। देखिए, इस तरीके से हम इसे डालकर इसे तल लेंगे। इसको थोड़ा सा धीमा आंच करके तलेंगे ताकि ये जल्दी जले ना, और इसको ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। जब तक ब्राउन नहीं हो तब तक आप निकालिए नहीं, नहीं तो ये कच्चा हो जाएगा। ये देखिए, अब ये और थोड़ा पकेगा। ये देखिए, अब हमारा निमकी हो चुका है, ये रेडी हो चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आप सारे निमकियों को छानकर और निकालिए। ये देखिए, मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, ये निमकी तैयार हो गया है बनकर, और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।